please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश के कानपुर में हाथ में मेहंदी रचा एक दूल्हा थाने के हवालात में खड़ा दिखा। आरोप है कि दूल्हे ने दुल्हन से शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़की पक्ष ने उस पर दहेज मांगने का आरोप लगाया। लेकिन हवालात में खड़े दूल्हे का आरोप है कि उसने शादी करने के लिए इसलिए इनकार किया क्योंकि लड़की का किसी और के साथ प्रेम संबंध है। हम शादी करने गए थे तो स्टेज पे थे तो वहाँ पे एक लड़का चढ़ा आया, लड़का चढ़ के आया माइक पे बोलने लगा कि लड़की से वो प्यार करता है और शादी करना चाहता है। और शादी के दौरान हुई इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जब जयमाल के बीच एक लड़के ने स्टेज पर आकर दुल्हन से प्यार का ऐलान किया। हालांकि लड़की के भाई का आरोप है कि ये दूल्हे का ही रचा नाटक था। शराब लड़का पिए बता, नशे के आरे तो दूध था, वो हमारी बहन से बदतमीजी कराई। उस लड़के का मैंने विरोध किया, विरोध करने वाले कह रहे हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने लिखित पक्ष से शिकायत मांगी है। वहीं दूल्हे ने शादी पर हुए खर्च को चुकाने की पेशकश की, लेकिन उसने शादी न करने के फैसले को नहीं टाला। गुजरात के अहमदाबाद में बीजेपी नेता माया कुंडानी के घर पर उनके परिजनों और रिश्तेदारों का जमावड़ा नजर आया। ये लोग वहां माया कुंडानी को बधाई देने पहुंचे, जिनको नरोड़ा पाटिया मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए बरी कर दिया। लेकिन बीमार होने की वजह से माया कुंडानी न तो मीडिया के सामने आई और न उनकी रिश्तेदारों से मुलाकात हुई। 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े नरोड़ा पाटिया मामले में माया कुंडानी के बरी होने के बाद उनके परिवार ने राहत की सांस ली। भगवान पे भरोसा था वो सही निकला है और न्यायपालिका पे जो भरोसा था वो भी सही निकला है। गुजरात की मोदी सरकार में मंत्री रही माया कुंडानी को नरोड़ा पाटिया मामले में निचली अदालत ने दोषी करार दिया था और उनको 28 साल की सजा दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने माना कि गवाह मौके पर माया कुंडानी की मौजूदगी साबित नहीं कर पाए और पुलिस ने भी मौके पर माया कुंडानी की मौजूदगी को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि माया कुंडानी के खिलाफ साजिश का मामला भी साबित नहीं हुआ। किसी ने बोला ये साइड ऐसा ही, किसी ने बोला उस साइड से आई, किसी ने बोला गाड़ी में आई, किसी ने बोला चलती आई, किसी ने नहीं मान सकते। हाई कोर्ट ने इस मामले में पुलिस के बयान को ही अहम माना और माया कुंडानी को बरी कर दिया। इसके अलावा हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए 17 दोषियों को भी बरी कर दिया, लेकिन बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी को कोर्ट ने मामूली राहत दी और आजीवन जेल की उनकी सजा घटाकर 21 साल कर दी। हालांकि कोर्ट ने उसे 3 लोगों के साथ हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता भी करार दिया। बाबू बजरंगी ने जो किया है वो दूसरे से कोई ज्यादा नहीं किया है, सजा में कोई तफावत नहीं होना चाहिए। दूसरे को 21 साल दे रहे हैं तो इसको भी 21 साल देना पड़ेगा। अहमदाबाद के नरोड़ा पाटिया इलाके में 28 फरवरी 2002 को हिंसा भड़की थी, जिसमें 97 लोगों की हत्या हुई थी। नरोड़ा पाटिया में यह हिंसा गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस को आग लगाए जाने के अगले दिन हुई थी। इस मामले में एसआईटी ने 70 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें निचली अदालत ने 32 लोगों को सजा सुनाई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने 12 और आरोपियों को दोषी करार देते हुए 21 साल की सजा दी। महाराष्ट्र के बारामती में दूल्हे दुल्हन की एक जोड़ी एक खेत में मजदूरी करती नजर आई। यहाँ बारिश के पानी को रोकने के लिए खेतों में तालाब बनाया जा रहा था, जिसमें दूल्हा दुल्हन ने भी श्रमदान किया। और खेत में तालाब बनाने के लिए दूल्हे ने खुदाई की तो दुल्हन ने उसकी मदद की। थोड़ी देर बाद दुल्हन भी खुदाई करती नजर आई। दोनों के साथ बहुत से और लोगों ने भी तालाब बनाने के लिए श्रमदान किया। दरअसल महाराष्ट्र के बहुत से इलाके सूखे की चपेट में हैं, इसीलिए बारिश से पहले ही खेतों में जगह जगह तालाब बनाने का काम चल रहा है। इन तालाबों को बनाने के लिए लोग सरकारी मदद न लेकर श्रमदान करते हैं और इस काम के लिए जागरूकता फैलाने के मकसद से ही दूल्हा दुल्हन ने शादी के फौरन बाद खेतों में श्रमदान किया। दिल्ली में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद सफेद रंग की गाड़ी में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के सरकारी आवास में दाखिल होते नजर आए। कांग्रेस के अलावा 7 विपक्षी दलों के नेताओं ने वेंकैया नायडू को सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव सौंपा, जिसके लिए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल वेंकैया नायडू से मिलने पहुंचा। कांग्रेस का दावा है कि मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को 7 दलों का समर्थन हासिल है, जिनमें कांग्रेस के अलावा एनसीपी, एसपी, सीपीआई, सीपीएम, बीएसपी और मुस्लिम लीग शामिल है। इन 7 दलों के सांसदों की कुल संख्या 71 है, जिनमें 7 सांसद राज्यसभा से रिटायर हो चुके हैं। इसके बावजूद महाभियोग के समर्थन में सांसदों की संख्या 64 है, जो 50 सांसदों की जरूरी संख्या से 14 ज्यादा है। The number required for the chairman to take action has to be minimum 50 members. So we have submitted a motion signed by 71 members of the parliament. कांग्रेस ने सीजीआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में कई और दलों के समर्थन का भी दावा किया, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव पर उनके सांसदों के हस्ताक्षर न होने की बात भी मानी। हालांकि आरजेडी और टीएमसी अभी महाभियोग प्रस्ताव की मुहिम से दूरी बनाकर चल रही है। इसके बावजूद कांग्रेस समेत 7 विपक्षी दलों ने 5 मुद्दों के आधार पर महाभियोग प्रस्ताव वेंकैया नायडू को सौंपा, जिनमें सीजीआई पद के लिए दीपक मिश्रा का आचरण सही नहीं होने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा सीजीआई पर प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट से फायदा उठाने का भी इल्जाम है। यही नहीं, सीजीआई पर कई अहम मुकदमों की तारीखों में फेरबदल का भी आरोप है।
इसके अलावा वकील के तौर पर सीजीआई पर जमीन अधिग्रहण और फर्जी हलफनामा लगाने का भी आरोप है। इन आरोपों में कई संवेदनशील मामले चुनिंदा बेंच को सौंपना भी शामिल है। हम कोई दिल से खुश नहीं है कि हमें ये कदम उठाना पड़ा, लेकिन क्या करें। सीजीआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के बहाने विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटी कांग्रेस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। लोकसभा में तो निश्चित हार जाएंगे, तो क्या लाकर क्या फायदा है। राज्यसभा में भी बड़ी नाजुक स्थिति है उनकी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि कांग्रेस के सीजीआई के खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं है। तो वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग मामले में कांग्रेस और विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी महाभियोग को का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। अरुण जेटली ने लिखा कि महाभियोग के जरिए पद पर बैठे किसी व्यक्ति को पद की गरिमा बचाए रखने के लिए हटाया जा सकता है, जिसके लिए संविधान में संसद के दोनों सदनों के हर सदस्य को एक जज की ताकत दी गई है, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल इसे महत्वहीन बना देगा। इस ब्लॉग में अरुण जेटली ने कांग्रेस पर महाभियोग के जरिए जजों को धमकाने की कोशिश का भी आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज यूपी में कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में 2019 के लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकने जा रहे हैं। अमित शाह आज सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इतना नहीं, उम्मीद है कि उनकी इस रैली में कांग्रेस के एमएलसी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अमित शाह की रैली के दौरान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। रायबरेली के राज्य के इंटर कॉलेज में होने जा रहे इस रैली की पूरी तैयारी कर ली गई है और सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। विश्व बैंक ने भारत में 19% बालिग लोगों के बैंक खाते नहीं होने का दावा किया। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का दावा है कि सरकार की तरफ से जनधन योजना की पहल के बावजूद भारत में 19% बालिग लोगों का आज भी किसी बैंक में खाता नहीं है। होटल कारोबारी केशव सूरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर करने की मांग की, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। पाकिस्तान से वापस आई दिव्यांग गीता को एक पुजारी और एक लेखक समेत 20 लोगों से शादी का प्रस्ताव मिला। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार के दरभंगा में उज्ज्वला योजना कार्यक्रम में लाभार्थियों को गैस कनेक्शन बांटे। मुंबई में लगातार हो रही रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे के एक अधिकारी ने यमराज का भेष बनाकर लोगों को जागरूक किया। 2 मिनट रुकना उनको तकलीफ हो जाती है, इसलिए हम लोगों को स्वर्ग से यहां उतरकर लोगों को समझाना पड़ रहा है। पंजाब आम आदमी पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में महासचिव भूपेंद्र सिंह गौरा को 5 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर बीजेपी नेता संजय पाटिल पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई बर्फबारी से हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे समेत पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढक गया। पंजाब के लुधियाना में आग लगने से खेत में खड़ी किसानों की फसल जल गई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कुछ लोग एक किसान का शव सड़क पर रखकर हंगामा करते दिखे। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि एक जमीन विवाद में कुछ लोगों ने गोली मारकर किसान की हत्या कर दी, जिसके बाद लोगों में गुस्सा फैल गया और नाराज लोगों ने किसान के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। ये जाम तब जाकर खुला जब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। विवाद में एक थर्ड पर्सन गोकरण निषाद की गोली लगने से मृत्यु हो गई, लेकिन पुलिस के दावे का किसान के रिश्तेदारों ने विरोध किया और बताया कि जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ वो किसान के परिवार की ही थी। हमारी जमीन का विवाद था, हमारा जमीन हमारे नाम थी, तो हम लोग गेहूं वो लोग बोकेंगे, ठीक है, तो हमने कोतवाल से कहा तो पहले के साथ गेहूं काट लो जाके। किसान के रिश्तेदारों ने पुलिस पर दूसरे पक्ष से नरमी बरतने का आरोप लगाया, इसीलिए उनका गुस्सा कुछ पुलिस वालों पर टूटा। मध्य प्रदेश के नए बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो विवादित बयान देते नजर आए। आरोप है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पत्रकारों से इशारों में मीडिया कवरेज के लिए पैसों का जिक्र किया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मच गया। इस वीडियो में राकेश सिंह पत्रकारों से हंसकर बात करते दिखाई दिए। इस दौरान एक पत्रकार ने राकेश सिंह को भोपाल में मीडिया कवरेज मिलने की बात कही, जिस पर वो हाथ उठाकर इशारों में पैसों का जिक्र करते नजर आए। राकेश सिंह का ये वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष हमलावर हो गया। जिस ढंग से जिम्मेदार पदाधिकारी ने पैसे की ओर इशारा करते हुए मीडिया पर तंज कसा है, निश्चित तौर पर उससे पूरे देश का चौथा स्तंभ आहत हुआ है। हालांकि बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस अति उत्साह में इस प्रकार के भ्रामक आरोप लगा रही है, जो कि बहुत दुखद है। राकेश सिंह 2004 से जबलपुर से सांसद हैं, जिन्हें शिवराज सिंह चौहान गुट का विरोधी माना जाता है।
आज पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन उससे पहले ही पंजाब कांग्रेस में बगावत होती दिखाई दे रही है। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से नाराज पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तीन बार के विधायक संगत सिंह गिलजिया और नवतेज चीमा ने पार्टी के अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते गुरकीरत कोटली ने भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर अपनी नाराजगी जताई है। इतना ही नहीं, कई वरिष्ठ विधायक मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में आज 9 नए मंत्री शपथ लेंगे, जबकि कुछ मंत्रियों का कद बढ़ेगा। आज जो पंजाब की कैबिनेट का विस्तार होया है तो वह पंजाब की पछड़िया श्रेणियों के पंजाब कोई बंदा भी नहीं लिया गया, इसलिए मैं जिस अहदे से काम कर रहा AICC का मैंबर सी, मैं पंजाब का वाइस प्रधान सी, मैं अपने दोनों अहदों तो इस्तीफा दे दिता है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम एक नए प्रयोग पर काम कर रहा है। योजना के मुताबिक दिल्ली के 11 फ्लाईओवर गो ग्रीन मुहिम से जुड़ जाएंगे। इन फ्लाईओवर्स के लिए के पिलर पूरी तरह से हरे दिखने लगेंगे, क्योंकि खास तरह की घास से पूरे पिलर ढक दिए जाएंगे। इसके लिए ऐसी घास लगाई जाएगी जो आमतौर पर वर्टिकल गार्डन बनाने में इस्तेमाल में लाई जाती है। ऐसी ही घास फ्लाईओवर के दोनों तरफ बनी रेलिंग पर लगाने की भी योजना है। इस तरह के प्रयोग से न केवल फ्लाईओवर खूबसूरत दिखने लगेंगे, बल्कि सड़कों पर उड़ने वाली धूल को काबू में करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि IIT कानपुर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की हवा में PM2.5 के कणों में 35% हिस्सा सड़कों से उठने वाली धूल का है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में रोज 131 टन यानी करीब 1,31,000 किलो धूल हवा में घुल जाती है। इसलिए माना जा रहा है कि फ्लाईओवर पर क्यारियां बनाने से धूल को काबू में किया जा सकेगा। 4 महीने में ये काम पूरा करने की योजना है, ताकि 2018 में जब सर्दियां आए तब प्रदूषण का खतरनाक स्तर से पहुंचने से रोका जा सके। जॉन अबू सलीम ने कौसर बहार सुश्रादी के लिए पैरोल की मांग की। महाराष्ट्र के तलोजा जेल में बंद डॉन अबू सलीम ने कौसर बहार नाम की महिला से 5 मई को अपनी शादी के लिए जेल प्रशासन से 45 दिन की पैरोल की मांग की। यूपी के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने दावा किया कि अब किसी भी ATM में कैश की किल्लत नहीं है। आज की स्थिति ये है कि कहीं पर भी ATM में पैसे की कोई कमी नहीं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के महासचिव भूपेंद्र सिंह गौरा पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उन्हें 5 साल के लिए बर्खास्त कर दिया। यूपी के बलिया पुलिस ने लूट और झपटमारी की वारदात में शामिल 2 शातिर अंतर्राज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार करने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में 11 अप्रैल को आए तूफान की वजह से कमजोर हो चुका एक मकान ताश के पत्ते की तरह ढह गया। बिहार के सारण में STF ने हत्या और अपहरण के आरोपी 50,000 के इनामी शातिर अपराधी चंदन राय को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड में सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में बर्फबारी की वजह से वहां अप्रैल के महीने में भी पूरा सरोवर बर्फ में जम गया। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में BJP की शानदार जीत पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खुशी जताई। अब झारखंड की जनता चाहती है विकास, और उन्हें विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विकास कर सकती है। गाजियाबाद में NH24 पर विजयनगर इलाके के पास एक कार बैलेंस बिगड़ने से नाले में जा गिरी, जिसमें सवार 7 लोगों की मौत हो गई। यूपी में अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंची केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने एक दलित परिवार के घर पर खाना खाया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में JP ग्रीन्स में छापा मारकर STF ने लाइव चल रहे ऑनलाइन IPL सट्टेबाजी करने के आरोप में 3 लोगों को 21 लाख नकद, 40 मोबाइल फोन समेत अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया। अमेरिका ने अपनी सालाना ग्लोबल ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट में चीन, ईरान, रूस और नॉर्थ कोरिया को अस्थिरता पैदा करने वाली ताकत बताया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने ऐलान किया है कि प्रिंस चार्ल्स राष्ट्रमंडल देशों की संगठन के अगले प्रमुख होंगे। सीरियाई सरकार ने दमिश्क में ISIS के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले का वीडियो जारी किया। इसराइल की सीमा के पास गाजा पट्टी में लगातार 4th शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान 4 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। पिछले हफ्ते दिल्ली के कालिदनी कुंज में रोहिंग्या परिवारों की बस्ती में लगी आग के मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दिल्ली पुलिस को एक शिकायत दी। शिकायत में मनीष चंडेला नाम के एक युवक पर कार्रवाई की मांग की गई।
और ये शिकायत प्रशांत भूषण ने दिल्ली के तिलक नगर थाने में दी, जिसे पुलिस ने साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी को भेज दिया। इनमें खुद मनीष चंडेला ने दावा किया है कि रोहिंग्या मुसलमानों की बस्ती में आग उसने ही लगाई, यहाँ तक कि रोहिंग्या मुसलमानों को आतंकवादी तक कहा गया। ये बात खुलेआम बोल रहा है अपने सोशल मीडिया पर और उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। दिल्ली के कालिंदी कुंज में 14 और 15 अप्रैल की दरमियानी रात को रोहिंग्या मुसलमानों की झुग्गियों में आग लगने की घटना हुई थी। ये वो कैंप है, यहाँ पर लगभग 46 झुग्गियाँ थी जो रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ पर कैंप में बसाया गया था। 14-15 की रात को जो है यहाँ पर आग लगी थी। जिस जगह ये आग लगी वहाँ अब केवल राख और जला हुआ सामान बाकी है। गरिमत ये रही कि झुग्गियों में बसे 200 से ज्यादा लोगों को वक्त रहते निकलने का मौका मिल गया, लेकिन झुग्गियों में रखा ज्यादातर सामान जलकर राख हो गया। लेकिन एक एनजीओ की मदद से रोहिंग्या मुसलमान परिवारों को पास की ही एक जगह पर दोबारा बसा दिया गया। अब मनीष चंडेला नाम के युवक के ट्वीट से आग लगने की घटना एक पहेली बन गई, क्योंकि ट्वीट पर हंगामा मचने के कुछ ही घंटों में न केवल ट्वीट बल्कि ट्विटर हैंडल तक डिलीट कर दिया गया। सोशल मीडिया पर मनीष ने अपने नाम के साथ BJYM लगाया हुआ था। BJYM यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा का नाम आने से उंगलियां बीजेपी पर उठनी तय थी। प्रशांत भूषण का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने इसीलिए इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। दिल्ली पुलिस है ऐसा लगता है कि भाजपा के लिए ही काम कर रही है। प्रशांत भूषण ने अपनी शिकायत में भी मनीष चंडेला को भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य बताया है। लेकिन पुलिस की परेशानी यह है कि मनीष चंडेला नाम के ट्विटर अकाउंट के साथ फेसबुक अकाउंट को भी डिलीट कर दिया गया, इसीलिए अब दिल्ली पुलिस का साइबर सेल इस मामले की जांच में जुट गया है। कौन था, क्या था, कैसे ट्विटर अकाउंट हैंडल कर रहा था, इन तमाम चीजें का डिटेल अभी आना बाकी है। पहले माना जा रहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों की झुग्गियों में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, लेकिन सोशल मीडिया से मचे हंगामे के बाद घटना ने सियासी रंग ले लिया। देखना यही होगा कि यहाँ पर जो झुग्गियाँ थी 46 झुग्गियों में आग लगाई गई थी या ये एक्सीडेंटल था। पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती भी यही पता लगाने की है कि ये घटना एक हादसा थी या आग वाकई जानबूझकर लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक गांव में कुछ पुलिस वाले बलात्कार के एक मामले की तहकीकात करने पहुंचे। आरोप है कि पंचायत ने एक नाबालिग दलित लड़की के गैंगरेप के मामले में 3 लाख रुपए में समझौता कराकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज नहीं होने दिया, लेकिन मामले के खुलने में देर नहीं लगी और लड़की की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी पर पीड़ित लड़की के ही घर पर जाकर इस सनसनीखेज मामले की पूरी जानकारी ली। आरोप है कि गांव के दो लड़कों ने एक नाबालिग दलित लड़की का गैंगरेप किया और अश्लील वीडियो बनाकर कई दिन तक लड़की का शोषण भी किया। आरोप है कि मामला खुलने पर पंचायत ने केस दर्ज न करने का दबाव बनाया और लड़की के घर वालों को आरोपियों से 3 लाख रुपए दिलवाने का फैसला देकर मामले को रफा दफा कर दिया। आरोपियों के घर वालों ने भी पंचायत की मौजूदगी में मामला दर्ज न करवाने के लिए हुए समझौते की पुष्टि की। आपका समझौता कितने में हुआ? 3 में। तो आपने 3 दे दिए थे? बिल्कुल। अब क्या हुआ जब पैसे दे? पता नहीं क्या बात है, पुलिस का कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि पीड़ित के घर वालों का कहना है कि उन्हें पैसे नहीं इंसाफ चाहिए, लेकिन आरोप है कि पंचायत उन्हें 2 किश्त में समझौते की रकम दिलवाकर मामले को खत्म कर देना चाहती थी। इसमें से 2 लाख रुपए पेशगी और 1 लाख रुपए पीड़िता के एबॉर्शन के बाद देने का समझौता हुआ, जिसके बाद कहा जा रहा है कि 3 महीने से गर्भवती पीड़िता का गर्भपात भी करा गया। हालांकि मामला खुलने के बाद पुलिस ने जिला महिला अस्पताल में लड़की की मेडिकल जांच कराई और कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने आपस में पंचायत बैठा के तय करना चाहा, लेकिन वो जैसे ही पुलिस संज्ञान में आया हमने इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है। रेप और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका।